और महाराष्ट्र की बात बिहार में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता, ये सब ये दांव उल्टा भी बीजेपी को पड़ सकता है। आजीवन सत्ता में बीजेपी नहीं रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं हूं आपके साथ मैत्री। जो सवाल आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी उठा रहे हैं, क्या उसका कोई आधार है? क्या बिहार में भी ऑपरेशन लोटस हो सकता है? ये सवाल इसलिए राजनीतिक फिजाओं में चलने लगी है क्योंकि बिहार में जेडीयू और बीजेपी के रिश्ते कुछ ज्यादा ठीक नजर नहीं आ रहे। आए दिन दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दबाव बनाती रहती हैं और बिहार में बड़ा कौन इसकी जंग भी चलती रहती है। जिस भी राज्य में बीजेपी को किसी ने दबाने का प्रयास किया है, वहां वहां बीजेपी ऑपरेशन लोटस लेकर सामने आई है। चलिए, तो ऑपरेशन लोटस कैसे पड़ सकता है नीतीश सरकार पर भारी और क्यों हो रही है महाराष्ट्र के बाद अब इसकी बिहार में चर्चा, हम आपको सब बताएंगे सिलसिलेवार तरीके से। लेकिन उससे पहले जो बातें आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं वो गौर करने वाली है। देखिए, लोकतंत्र और संविधान जिस तरह से आज खतरे में है और उसका गला घोटा जा रहा है, वो देश की जनता भी देख रही है। सत्ता के लिए बेचैनी ठीक नहीं है और एक ही दवाई से हर बीमारी का इलाज नहीं होता है। और महाराष्ट्र की बात बिहार में हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में भी हो सकता, ये सब ये दांव उल्टा भी बीजेपी को पड़ सकता है। आजीवन सत्ता में बीजेपी नहीं रहेगी, इसलिए अगर चुनी गई सरकार को, बहुमत वाली सरकार को अस्थिर करने का प्रयास बीजेपी करती है, उसका खामियाजा आने वाले दिनों में भविष्य में बीजेपी को भी भुगतना पड़ेगा। बिहार में कई मुद्दों को लेकर बीजेपी और जेडीयू में तल्खी दिखी है। अग्निवीर का मुद्दा हो या फिर पुलिस प्रशासन का, बीजेपी और जेडीयू लगातार एक दूसरे से भिड़ रही है। लेकिन जेडीयू के नेता ये मानते हैं कि बिहार में ऑपरेशन लोटस नहीं हो सकता। जेडीयू में टूट हो रही है, काहे कंपैरिजन कर रहे हैं महाराष्ट्र से बिहार का? वो मुंबई है, ये पटना है, दोनों में आसमान धरती का फर्क है। जेडीयू में कोई कहीं से आपको मिला है कि टूट हो रही है? खबरें आती रहती है कि कुछ लोग लगे हुए हैं, खबर आती है कि आप हमारी पार्टी को तोड़ने में लगे हुए हैं। बिहार में नीतीश कुमार की छवि की वजह से भी शायद बीजेपी ऑपरेशन लोटस नहीं चला पाएगी, लेकिन जेडीयू में अंदर खाने कई गुट बने हुए हैं। तभी तो आरसीपी सिंह से उपेंद्र कुशवाहा पर सवाल किया गया तो उनका जवाब कुछ ऐसा ही इशारा कर रहा था। उपेंद्र कुशवाहा, देखिए आशा है ना, अभी कहाँ हम लोग और किन का नाम आप ले रहे हैं? भगवान बुद्ध की जगह है उनका नाम। बिहार में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन मजबूरी का है या फिर मजबूती का, यह तो आने वाले समय ही बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार की छवि के आगे महाराष्ट्र जैसी कोई सियासी तस्वीर बनेगी, ये संभव तो नहीं लग रहा। ये थी पटना से सुजीत झा की रिपोर्ट। बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक।